दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक बहुत ही कंट्रोवर्शियल है। यही वजह है कि आपको बहुत कम लोग ही इस मौजू पर बात करते नजर आएंगे। लेकिन जितना ज्यादा ये कंट्रोवर्शियल है, उतना ही जरूरी है कि इस पर बात की जाए। क्या आप जानते हैं कि मर्दों को कमजोर बनाने वाले टॉप फैक्टर्स क्या हैं? क्यों दिन ब दिन मर्द कमजोर बनते जा रहे हैं? हमारी 70% यूथ अपनी फाइनेंशियल लाइफ के साथ साथ अपनी मैरिड लाइफ में भी नाकाम हो रही है। अगर बात की जाए आज से कुछ सदियां पहले के मर्दों की, तो उनकी बहादुरी, जुर्रत और ताकत की मिसालें सुनकर आप हैरान होंगे कि वो इस कदर मजबूत कैसे थे। सिर्फ 17 साल की उम्र में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध फतह कर लिया। सिर्फ 21 साल की उम्र में सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कुस्तुनतुनिया फतह किया, जो कि एक ऐसा शहर था जिसे फतह करना नामुमकिन समझा जाता था। सिर्फ यही नहीं, उनसे पहले और बाद में भी ऐसे मर्द आते रहे जिनकी बहादुरी और ताकत के किस्से सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन वहीं अगर उन्हीं मर्दों की ताकत को कंपेयर किया जाए हमारी आज की यूथ के साथ, तो जंग लड़ना तो दूर की बात, सिर्फ 100 कदम चलने पर ही इस यूथ की सांसें फूलने लगती हैं। वो बहादुर वॉरियर 100 किलो की तलवार उठाकर उसके साथ लड़ा करते थे, लेकिन आज का जवान मर्द 10 किलो वजन भी ज्यादा देर तक नहीं उठा सकता। हम बात कर रहे हैं हमारी नई जनरेशन की, जिनकी उम्र अभी 16 से 30 साल के दरमियान है। एक सर्वे के मुताबिक आज की जनरेशन का टेस्टोस्टेरोन लेवल पुरानी जनरेशन के मुकाबले में सिर्फ 50% तक रह चुका है, और ये मजीद तेजी से कम हो रहा है, और ये चीज इनकी अज़दवाजी जिंदगी को बुरी तरह मुतासिर करेगी। लिहाजा अगर आप अपनी लाइफ को तबाह होने से बचाना चाहते हैं, तो इस वीडियो के किसी भी पार्ट को गलती से भी स्किप मत कर देना। आज हम बात करेंगे उन 5 टॉप फैक्टर्स पर जो मर्दों के टेस्टोस्टेरोन लेवल को और मैस्कुलिनिटी को तबाह कर रहे हैं। यही वजह है कि आज के मर्द मुश्किल कामों से भागते हैं, जरा सा काम करने पर ही थक जाते हैं, और अर्ली एज में ही बहुत सी खतरनाक बीमारियां इन्हें घेर लेती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ गुजार सकें, तो ये वीडियो आपके लिए एक कीमती तोहफा होगी। लिहाजा जितना हो सके इसे शेयर कीजिएगा, ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। इससे पहले भी हम जापानीज लोगों के हेल्दी लाइफस्टाइल पर एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो बना चुके हैं, लिहाजा इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी लाजमी देखिएगा, ताकि आप उनकी लंबी और हेल्दी लाइफ का सीक्रेट जान सकें। दोस्तों, इससे पहले कि हम आपको उन 5 फैक्टर्स के बारे में बताएं जो आपकी लाइफ को बर्बाद कर रहे हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही जबरदस्त वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो फ्रेंड्स, बिना किसी डिले के लेट्स बिगिन। नंबर 1, कंडीशनिंग। एक इंसान स्ट्रोंग बनता कैसे है? फिर चाहे फिजिकल लेवल पर स्ट्रोंग बनने की बात हो या मेंटल लेवल पर, मैस्कुलिनिटी आती है तपिश को बर्दाश्त करने से। जो जितना ज्यादा लोड अपनी बॉडी पर डालेगा, उतना ही ज्यादा मजबूत बनेगा। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं होता, और इसे मैंने नाम दिया है कंडीशनिंग का। कंडीशनिंग से मेरी मुराद है आपकी परवरिश। हमारा बचपन ही मर्दानगी की फाउंडेशन है। इसी वक्त में हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी पीक पर होती है, और जैसी हम चाहें वैसी चेंजिंग अपनी बॉडी में कर सकते हैं। लेकिन अगर आप आज की जनरेशन को ऑब्जर्व करें, तो बच्चे बाहर खेलने की बजाय वीडियो गेम्स और मोबाइल फोन पर अपना बहुत सारा वक्त स्पेंड करते हैं। इनकी लाइफ में कोई कठिन एक्टिविटी नहीं है, मतलब कि जिंदगी की शुरुआत ही गलत तरीके से हो रही है। जबकि बहुत से कल्चर्स में लड़कों को मजबूत बनाने के लिए उन्हें बचपन से ही ट्रेन किया जाता है। अगर बात की जाए पुरानी जनरेशन की, तो वहाँ लोग जंगलों में रहते थे। यही वजह है कि उनका कॉन्फिडेंस पीक पर था। वो बड़े से बड़े खतरे के सामने भी सीना तान कर खड़े हो जाते थे। उनके अंदर डर नाम की चीज नहीं थी। इंतहाई पेनफुल और हार्ड प्रोसेस से गुजरने के बाद वो मजबूत से मजबूत तर बनते चले गए। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे आबाओ अजदाद की तरह हमें किसी तरह की डिफिकल्टीज फेस नहीं करना पड़ती। यहीं से पैदा होता है एक कमजोर मर्द।
आसान लफ्जों में यूं समझ लें कि लोहा जितना तपता है उतना ही मजबूत बनता है। लिहाजा दोस्तों, जिंदगी की तपिश को बर्दाश्त करना सीखो, क्योंकि अक्सर वो पौधे मुरझा जाते हैं जिनकी परवरिश छाँव में होती है। हमारी पेरेंट्स से भी यही रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को हद से ज़्यादा पैम्पर्ड मत बनाएं, बल्कि उन्हें ज़िंदगी की मुश्किलात और चैलेंजेस का मुकाबला करने दें। उन्हें अपनी लाइफ के कुछ फैसले खुद लेने दें, ताकि वो गलतियों से सबक सीखकर खुद को मजबूत बनाएं। उन्हें घर की चार दीवारी में कैद रखने की बजाय बाहर की दुनिया को अच्छे से जानने दें, अच्छे से ऑब्जर्व करने दें, क्योंकि अगर वो तन्हा लड़ना नहीं सीखेंगे तो ज़िंदगी की बहुत सी लड़ाइयाँ हार जाएंगे और उनके अंदर कुव्वत बर्दाश्त भी उतनी ही कम होगी, और इसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि आप खुद होंगे। नंबर 2, टेस्टोस्टेरोन लेवल। टेस्टोस्टेरोन मर्दों की अज़दवाजी ज़िंदगी यानी मैरिड लाइफ से लेकर कॉन्फिडेंस और चेहरे के ग्लो तक अहम रोल प्ले करता है, लेकिन आजकल 10 में से 6 लोग टेस्टोस्टेरोन लेवल के गिरने का शिकार हैं, जिसकी वजह से वो लो कॉन्फिडेंस, लो एनर्जी, लो मस्कल डेंसिटी और मूड स्विंग जैसी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने में सबसे अहम रोल प्ले करती है आपकी डाइट। जो खाना आप खाते हैं वो ना सिर्फ आपकी मर्दानगी बल्कि आपके पूरे जिस्म पर असर डालता है। लिहाजा जितना हो सके जंक फूड और हाई शुगर वाली डाइट से दूर रहें। इसकी जगह आपको सब्जियाँ, दालें और फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है, और अपनी एनर्जी को किसी बैड हैबिट के जरिए ज़ाया नहीं करना। इसके लिए आप अपनी डाइट के अकॉर्डिंग डेली एक्सरसाइज की हैबिट को अपना सकते हैं। नंबर 3, एवरीथिंग इज़ ईजी। पहले वक्तों में लोगों को एक वक्त के खाने के लिए भी बहुत मेहनत करना पड़ती थी। एक वक्त था जब मर्दों को अपने और अपनी फैमिली के सर्वाइवल के लिए हर तरह की मुसीबत उठाना पड़ती थी। बीमार होने पर जंगलों में खुद जड़ी बूटियां ढूंढने जाना पड़ता था, यानी बिना फिजिकल एक्टिविटी के कुछ भी पॉसिबल नहीं था। लेकिन आजकल घर बैठे बड़ी ही आसानी से जो चाहो वो मिल जाता है। टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ को बहुत ही ईजी बना दिया है, लेकिन इसका नुकसान ये है कि इंसान अंदर से खोखला और डरपोक बन रहा है, और इसके जिस्म में बहुत सी बीमारियां जन्म ले रही हैं। अगर किसी को स्ट्रेस हो रहा है तो वो एक्सरसाइज और मेडिटेशन करने के बजाय बाहर निकलकर अपने एनवायरनमेंट को चेंज करने के बजाय यूट्यूब पर कॉमेडी वीडियोस देखने लगता है या मूवीज देखकर अपने फ्री टाइम को ज़ाया कर रहा है। अपनी पर्सनैलिटी और करियर पर काम करने के बजाय फालतू की रील्स देख रहा है। दोस्तों, ये सब करने के बजाय अपनी लाइफ में टफ एक्टिविटीज़ को शामिल करो, ताकि आप एक मजबूत और रियल मर्द बन सको। नंबर 4, सोशल मीडिया। जैसा कि मैंने अभी बताया कि आजकल के यंगस्टर्स सारा दिन सोशल मीडिया पर लगे रहते हैं, बाहर खेलने के बजाय मोबाइल पर टाइम पास करते हैं। पहले वक्तों में जब इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी तो हर काम के लिए बाहर जाना पड़ता था, इससे इंसान नेचर से कनेक्टेड रहता था। लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी ने सब कुछ बदल दिया है। कपड़ों से लेकर खाने तक हर चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल है। सोशल मीडिया पर जब कोई आपकी पिक्चर को लाइक करता है तो आप ऐसे फील करते हो जैसे आपने कोई बहुत बड़ा तीर मारा हो, लेकिन हालांकि आप खुद जानते हैं कि आपने कुछ भी अचीव नहीं किया। हमारा नेचर से कनेक्शन ख़त्म हो रहा है, जो कि मर्दानगी ख़त्म होने की सबसे बड़ी रीज़न है। लिहाजा जितना हो सके मोबाइल का यूज़ कम कर दो, टाइम पास करने के लिए रील्स देखना बंद कर दो, बल्कि अपना एक फिक्स टाइम बना लो जिसमें आपको सोशल मीडिया यूज़ करना है, और वो 2 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और उसमें भी आपको सिर्फ वही कंटेंट देखना है जो आपके काम का हो, और फजूल कंटेंट देखना आज से ही बंद कर दो। डेली एक्सरसाइज करो, हेल्दी डाइट लो, और ऐसे कॉन्टेंट से जितना हो सके दूर रहो जो तुम्हें वक्ती तौर पर तो मज़ा देता है लेकिन अंदर से खोखला कर रहा है। नंबर 5, नो पर्पस इन लाइफ। जब इंसान के पास करने को कुछ नहीं होता, जब लाइफ का कोई वाज़े गोल नहीं होता, तब इंसान सेल्फ डिस्ट्रैक्शन की तरफ जरूर जाता है। जस्ट इमेजिन, एक ऐसा इंसान है जिसकी लाइफ का कोई पर्पस नहीं है।
अब वो अपनी बॉडी के साथ क्या करेगा। वो बहुत सी बुरी आदतों को अपना लेगा और अपनी एनर्जी को फजूल वेस्ट करना शुरू कर देगा और ऐसे में वो बहुत जल्द अंदर से ख़त्म हो जाएगा। वो बहुत सी गलत आदतों को अपनाएगा, हर वक्त लड़कियों के बारे में सोचने लगेगा और बहुत ज़्यादा सोना उसकी आदत बन जाएगा। इस तरह से उसकी मर्दानगी एक दिन मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। लिहाजा अपनी लाइफ का कोई गोल ज़रूर रखना, खुद को हर वक्त बिजी रखना। इस तरह आपके पास ज़ाय करने के लिए वक्त ही नहीं होगा। अपना गोल इतना बड़ा रखो कि आप किसी और चीज़ के बारे में कभी सोच ही ना पाओ। लिहाजा खुद पे काम करो, खुद को मजबूत बनाओ ताकि बड़ी से बड़ी रुकावट भी आपके सामने टिक ना पाए। अपनी स्ट्रेस को दूर करने के लिए सिगरेट पीने और सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने के बजाय आउटडोर एक्टिविटीज़ में हिस्सा लो। कोई ऐसी गेम खेलो जिसमें आप फिजिकली एक्टिव रहो। जिम जाओ या पार्क में जाकर वॉक करना शुरू कर दो। तो चलिए दोस्तों, अब इन पांचों प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को फिर से रिवाइज करते हैं। नंबर 1, अपने बच्चों को हद से ज़्यादा पैम्पर्ड मत बनाओ। उन्हें मोबाइल पर गेम्स खिलाने के बजाय फिजिकल एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेने दो। इन्हें सख्तियों का सामना करना और उनसे लड़ना सिखाओ ताकि ये मजबूत और बहादुर बन सकें। नंबर 2, अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट करो। जंक फूड से अवॉइड करो और हेल्थी डाइट लो, जैसा कि सब्जियां, दालें और फ्रूट्स वगैरह। इसके साथ साथ अपनी एनर्जी को गलत तरीके से वेस्ट करना बंद कर दो, बल्कि इसे किसी प्रोडक्टिव काम में लगाओ। नंबर 3, आसानी ढूंढने के बजाय मुश्किलात को फेस करना सीखो। घर में पड़े रहने और गेम्स खेलने के बजाय फिजिकल एक्टिविटीज़ में हिस्सा लो और हार्ड एक्सरसाइज को अपना मामूल बनाओ। नंबर 4, सोशल मीडिया से जितना हो सके अवॉइड करो। नेगेटिव कंटेंट को आज से ही बाय बोल दो। सिर्फ 1 या 2 घंटे सोशल मीडिया पर स्पेंड करो और उसमें भी सिर्फ पॉजिटिव कंटेंट देखो और नेचर के साथ अपना रिश्ता मजबूत करो। नंबर 5, अपनी लाइफ का कोई पर्पस बनाओ और आपका पर्पस इतना बड़ा ज़रूर होना चाहिए कि आप कभी फजूल ना बैठो या गलत जगह अपने टाइम को स्पेंड हरगिज मत करो। अपनी थॉट्स के गार्ड बनो और गलत देखने, गलत सुनने और गलत सोचने से हमेशा अवॉइड करो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना हरगिज मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।